हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथिस्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग में हम शुरू किए थे श्रृंखला परीक्षण जो क्या करता है एग्जानवर आपके माइंड को और आपके एक्यूरेसी को और आपके स्पीड को चेक करता है और इसीलिए श्रृंखला परीक्षण से कोई भी एग्जाम रहता है कम से कम तीन से चार क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम हो तीन से चार क्वेश्चन तो आता ही आता है और उसी क्रम में हम कल बताए थे आपको कि पहले हम अंकों से करे थे आज हम अल्फाबेटिकल आपको कराएंगे और देखा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इस इसके लिए हमें लगा कि आप वीडियो देखे होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेहनत करिए मेहनत करिए तो सफलता ज़रूर मिलेगी और कहा जाता है कौन कहता है कि सफलता भाग्य से मिलती है यारों मेहनत में आग लगा करके देखो मंजिल खुद झुक जाती है ठीक है इसी के साथ अपना क्लास चालू करते हैं चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है ए सी ए, ए जी ए आई ए यानी कि ए ए का क्या हुआ रिपीटेशन हुआ है और उसके साथ एक एक वर्ड जोड़ा गया है और पूछा गया कि आगे क्या आएगा तो आप खुद सोचिए देखिए एक के बाद ए है इसको भूल जाइए क्योंकि सबके बाद ए ए है और ए के बाद वाला हमें चाहिए तो अब देखिए यहाँ पे ए के बाद है तो सी सी है ना तो सी में सी का होता है तीन एक चीज़ हम बताए थे आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाते समय कि आप लोग कोड याद करना बहुत ज़रूरी है तरीका भी बताए थे ट्रिक भी बताए थे कैसे याद किया जाएगा तो इस तरीके को आप बार बार करिए आपको कोड याद हो जाएगा और देखिए इसके सी सी के लिए क्या होता है तीन होता है और आई के लिए पाँच होता है जी के लिए सात होता है आई के लिए नौ होता है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे यहाँ से सी सी में सी इसका पाँच होता है इसका तीन इसका पाँच और इसका सात होता है और इसका नौ होता है तो सीधे क्या हुआ है तीन दो पाँच दो सात दो नौ दो ग्यारह अगला क्या आएगा ग्यारह अगला जब ग्यारह आएगा तो ग्यारह का कोड आपको पता होता है ग्यारह किसका होता है के का होता है ग्यारह किसका होता है तो के का होता है तो प्रश्न आंसर चिन्ह के स्थान पर क्या के आएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है एक बार फिर से समझिए दिया गया है कि ए सी ए जी ए आई और उसके बाद से फिर ए दिया है और पूछा गया है कि इसके स्थान पर क्या आएगा तो इसके स्थान पर क्या आएगा देखिए ए ए ए एक के बाद रिपीट हो रहा है तो ए को छोड़ दीजिए क्योंकि ए के बाद वाला पूछा गया है इसके बाद से सी को देखिए सीन का कोड होता है तीन इसका होता है पाँच इसका होता है सात इसका होता है नौ तो हम क्या करेंगे इसमें दो दो की क्या हुई है वृद्धि हुई है दो दो की वृद्धि हुई है यानी कि सीरीज आपका दो दो की वृद्धि हुई तो इसमें भी दो की वृद्धि करेंगे और आय में दो की वृद्धि करेंगे तो आएगा नौ आएग ग्यारह और ग्यारह को ग्यारह किसका होता है के का होता है और के ही इसका आंसर हो जाएगा देखिए के यहाँ पे आया है इसका आंसर हो गया तो के इसका राइट आंसर होगा तो हमें सीरीज़ देखना है सीरीज में सीक्वेंस क्या बन रहा है अगर सीक्वेंस आपका सही जा रहा है तो आपका आंसर सही होगा चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है पी यू आर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया गया है टी क्यू वी ओ अब देखिए इसी को देखने से क्या लग रहा है पी यू आर तो पी का देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं पहले पी यू आर प्रश्नवाचक चिन्ह है हमें ये निकालना है टी दिया है क्यू दिया है वी दिया है और ओ दिया है आगे भी प्रश्नोक्षर चिन्ह में निकालना है यानी कि दो हमें निकालना है क्या आएगा तो देखिए अगर यहाँ पे पी दिया है और फिर यू दिया है पी का होता है सोलह सत्रह आर का होता है अट्ठारह इसका हमें पता नहीं है इसका होता है बीस इसका होता है सत्रह इसका होता है बाईस और इसका होता है पंद्रह अब क्या हुआ होगा देखिए इसमें से सोलह के बाद सत्रह सत्रह के बाद अट्ठारह है सोलह में एक वृद्धि अट्ठारह हुआ अट्ठारह के बाद उन्नीस उन्नीस के बाद बीस उन्नीस के बाद बीस होगा फिर उसके बाद से यहाँ से देखिए सत्रह 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 के बाद बाईस हुआ है और बाईस के बाद पंद्रह दिया वो दिया है तो देखिए हुआ क्या होगा अगर हम सोलह दो अट्ठारह करें अठारह दो बीस करें बीस दो बाईस करें और बाईस दो चौबीस तो बाईस दो चौबीस देखिए क्या हुआ है सोलह दो अट्ठारह ऐसे तो आ नहीं रहा है क्योंकि सीक्वेंस आपका भेंट है देखिए सोलह एक सत्तर सत्रह एक अट्ठारह अट्ठारह एक उन्नीस उन्नीस एक बीस यहाँ तो सही है फिर उसके बाद से सीरीज आपकी गड़बड़ आ जा रही है देखिए सीरीज गड़बड़ हो जा रही है देखिए सत्रह सत्रह के बाद सीधे बाईस जा रहा है बाईस के बाद पंद्रह हज़ार यहाँ तक तो सही जा रहा था लेकिन यहाँ की सीरीज क्या हो जा रहा है बेकार हो जा रहा है यहाँ की सीरीज सही नहीं हो रहा है गलत हो जा रही है तो आगे हम इस तरह से करेंगे अगला एक और देखते हैं देखिए सोलह सोलह दो अट्ठारह अट्ठारह दो बीस बीस दो बाईस और बाईस दो चौबीस ऐसे होगा तो यहाँ पे आपका चौबीस लिख सेंगे चौबीस होगा और यहाँ पे देखिए सत्रह सत्रह में हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका आ, यू है यू है ना तो यू आपका इक्कीस होता है इक्कीस है और इक्कीस में हम इक्कीस इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे है सत्रह यहाँ पे है पंद्रह यानी कि पंद्रह के बाद सत्रह एक गैप हुई है एक का गैप हुआ है ना दो की गैप हुआ है यहाँ पे सत्रह सोलह होना चाहिए था और इसका गैप दिया गया पंद्रह तो यहाँ पे आपका इक्कीस है तो यहाँ पे उन्नीस होगा देखिए अगर यहाँ पे उन्नीस होता है आपका तो देखिए इक्कीस में से तो दो गया उन्नीस उन्नीस में से दो गया सत्रह सत्रह में से दो गया पंद्रह यानी कि आपकी सीरीज क्या हो रही है सीरीज कंप्लीट हो जा रही है सीरीज जब कंप्लीट होगी तो यहाँ पे इसका क्या उन्नीस की जगह पे क्या होता है उन्नीस किसका होता है उन्नीस आपका यस का होता है तो यहाँ पे यस हो जाएगा और चौबीस होता है आपका चौबीस होता है यक्स का तो आपका आंसर क्या होगा आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा यस और यक्स ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यस और यहाँ पे होगा आपका यक्स ठीक है समझ में आया क्या करना है देखिए एक एक को गैप करके दो दो की इंक्रीजिंग हुई है और इस वाले में एक एक एक-एक का गैप करके दो दो की डी इंक्रीजिंग हुई है ठीक है डिस इंक्रीजिंग हुई है यानी कि घटाया गया है और एक बार जोड़ा गया है तो वही हम करे हैं तो यहाँ पे देखिए पी पी के बाद आर 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 के बाद टी टी के बाद वी वी के बाद यक्स आएगा और यहां पे आएगा आपका यू यू के बाद यू यू आपका इक्कीस होता है फिर उसके बाद से दो घटाएंगे उन्नीस होगा दो घटाएंगे सत्रह होगा दो घटाएंगे तो पंद्रह होगा तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यस और एक होगा ये तो इस आपका आंसर क्या बनेगा यस और यक्स यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों की जगह पर चलिए अगला देखिए अगला कह रहा है जेड वाई एक्स डब्लू टी जेड वाई एक्स डब्ल्यू अब देखिए यहां पे हम सीधे कोड लिखते हैं अगर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व कराया जाए आपको समझाना है इसलिए हम साइड में लगा रहे हैं नहीं तो हमें करना रहता केवल पढ़ करके हम तुरंत आंसर आपको दे देंगे केवल पढ़ेंगे पढ़ते ही समय मेरा तुरंत आंसर आ जाएगा और आपको क्या करना है हमें समझाना तो समझाने के लिए चीज को अच्छी तरह से समझा जाएगा देखिए दिया गया है जेड 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 फिर वाई फिर एक्स एक्स डब्लू टी एस आर क्यू उसके बाद दिया है एन एम एल के यहाँ पे गैप दिया है तो देखिए जेड जेड का होता है छब्बीस वाई का होता है पच्चीस एक्स का होता है चौबीस और डब्लू का होता है तेईस यानी कि क्रम में घटते हुए चार तक गया है क्रम में घटते हुए चार तक गया है उसके बाद से टी टी का होता है बीस यस का होता है उन्नीस आर का होता है आपका अट्ठारह और क्यू का होता है सत्रह फिर उसके बाद से क्या किया है? दो की गैप किया गया किसका दो का किसका वी का और यू का वी का और यू का गैप करके सीधे बीस पे आ गया है यानी कि डब्ल्यू में से तीन हम घटाए हैं डब्लू में से तीन घटाएंगे तो आएगा बीस तेईस में से बीस तीन घटाएंगे तो बीस आएगा तो यहाँ पे फिर उसके बाद से फिर उसके बाद से दिया गया है यास फिर क्यू फिर यहाँ पे सत्रह है सत्रह में से फिर तीन घटाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे घटाए हैं तो यहाँ पे भी घटाएंगे सत्रह में से तीन घटाएंगे तो कितना आएगा सत्रह में से तीन घटाएंगे तो चौदह आएगा चौदह आएगा ना सत्रह में से तीन घटाएंगे चौदह आएगा और अंक क्या घटेगा पी और ओ क्या घटेगा पी और ओ उल्टा जा रहा है ना पी और ओ तो यहाँ पे हम सत्रह हो गया देखिए चौदह फिर यहाँ पे तेरह बारह ग्यारह हुआ ना क्या हुआ है जब यहाँ पे चार चार का जोड़ा चलने के बाद चार चार का जोड़ा चलने के बाद तीन घटाया गया है और चार चार का जोड़ा करने के बाद फिर हम तीन घटाएंगे तो ग्यारह में से तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा ग्यारह में से तीन घटाएंगे तो आठ बचेगा और यहाँ पे जब तीन घटाएंगे तो आठ बचेगा यानी कि आपका आंसर क्या आएगा आठ आठ मतलब यच तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा यच आपका क्या आएगा यच आएगा देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था कितने आराम से मतलब एकदम लिख अगर आपको सीरीज करनी है और अल्फाबेटिकल कर सीरीज करनी है तो आपको कोड एकदम याद होना चाहिए और कोड याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रहती है एक से लगाए जेडी तक है ना एक से लगाए जेड तक है और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि एक दो अंक तीन अंक घटाना रहता है छब्बीस से अधिक तो घटाना नहीं है छब्बीस से कमी के अंदर घटाना है तो आप जल्दी से कर लेंगे अगर कोड याद रहेगा तो देखिए हम कोड लिखे तुरंत तो समझ में आ गया क्या करना है हमें और अल्फाबेटिकल रहेगा तो हम पढ़ते रह जाते क्या करना है एक एक को लिखना पड़ता ए से लगा जिट तक लिखना पड़ता लिख करके बताना पड़ता कि क्या क्या है कैसे करेंगे और बहुत लोग एग्जाम में क्या यही काम करते हैं कि कोड लिखते हैं तो हमारा आपसे अपील है कि आप लोग क्या करेंगे आप लोग कोड को याद कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे चलिए इसका आंसर आ गया क्या आया है या चाहेगा चलिए अगला देखिए अगला कह रहा है जे एल एन पी आर टी तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले जे एल एन पी आर टी आगे हमें निकालना है क्या होएगा देखिए जी फिर हम वही काम करेंगे फिर लिखने वाला काम करेंगे देखिए हमें एकदम याद है हम अगर हमें क्वेश्चन करना है तुरंत हम बता देंगे क्या हमें करना है देखिए जे जे का होता है दस यल का होता है बारह एन का होता है चौदह आर का होता है सोलह इसका होता है अट्ठारह पी का होता है सोलह और आर का होता है अठारह इसका होता है बीस देखिए इतना लिखने से तुरंत क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है आगे मेरा आंसर क्या आएगा देखिए दस दो बारह दो चौदह दो सोलह दो अठारह दो बीस तो अगला क्या आएगा बाईस अगला क्या आएगा यानी कि दो दो की इंक्रीजिंग हुई है और अगला बाईस आएगा और बाईस आएगा तो बाईस का क्या होता है बाईस का यू और वी यानी कि बाईस का आंसर क्या होगा वी बाई की जगह पे क्या होगा बाईस की जगह पे वी होगा यानी कि टी के बाद अगला आंसर आएगा आपका वी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है एक 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 कोड को याद करिए और तुरंत लिखिए देखिए तुरंत आंसर आएगा तुरंत आंसर आएगा चलिए अगर हमें करना था तो हम सीधे लिखते दस दो बारह दो चौदह दो सोलह दो अठारह दो बीस दो दो बाइस तुरंत आंसर आ जाएगा बाइस देखिए कोई भी हमें क्वेश्चन करना है हम तुरंत क्या कोड को तुरंत जोड़ना शुरू कर देते हैं लिखते नहीं है देखिए इसी तरह से आप अगर मेहनत करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जल्दी कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिए ए आई बी जे सी के तो हम लिख लेते हैं पहले ए आई बी जे सी के अब आगे पूछा है क्या आएगा तो देखिए अब देखने से क्या लग रहा है आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है यहाँ पे कोड लिखने की आवश्यकता है देखिए क्या लग रहा है देखने से ए ए के बाद आई दिया है नौ आई क्या होता है नौ फिर बी दिया है दो होता है फिर जे दिया है दस होता है तो यहाँ पे लंबा गैप है यहां पे लंबा गैप है लेकिन एक गैप करके सीरीज को रिपीट किया गया है देखिए एक गैप करके सीरीज को बढ़ाया गया देखिए एक ए बी सी आएगा डी ए बी सी आएगा डी ए बी सी आएगा डी क्योंकि क्रम में चला है एक दो एक की वृद्धि हुई दो हुआ फिर एक की वृद्धि हुई तीन हुआ फिर एक की वृद्धि करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी फिर अगर चेक करना है तो नीचे वाला भी चेक कर लिए देखिए आई का होता है नौ नौ और एक दस दस और एक ग्यारह हुआ ना ग्यारह हुआ ना तो देखिए यानी कि इसमें भी एक एक की वृद्धि हुई है और इसमें भी एक गैप करके एक इंक्रीजिंग की गई है और यही काम करेंगे तो आएगा आपका आंसर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आया अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया ए जेड लिख लेते हैं पहले ए जेड सी एक्स सी एक्स एफ यू और प्रश्न चिन्ह दिया देखिए यहां पे क्या हुआ होगा ए के साथ जेड सी के साथ सी एक्स यफ यू अब देखिए हम आपको बताए थे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते समय कि विपरीत याद करना उल्टा याद करना तो एक का होता है जेड आपको पता है सी का उल्टा है सी का होता है क्रैक्स सी एक्स क्रैक्स यफ यू फ्यू, फ्यू बताए थे आपको ये सब उल्टा दिया गया ना तो देखिए उल्टा दिया गया तो किस क्रम में दिया गया ये इंपॉर्टेंट है तो हम ऐसे ही थोड़ी किसी का उल्टा लिख देंगे इसका क्रम जानना जरूरी है तो क्रम ज्ञात करने के लिए क्योंकि हम सीरीज कर रहे हैं तो सीरीज में कम जाना जरूरी है तो देखिए हुआ क्या होगा ए है ना ए के बाद दिया गया सी सी के बाद दिया गया एफ यानी कि ए का होता है एक सी का होता है तीन और एफ का होता है छः यानी कि क्या किया गया है दो दो की वृद्धि की गई है एक पहले एक वृद्धि हुआ फिर दो वृद्धि हुआ फिर तीन वृद्धि हुआ यानी कि पहले इसमें दो की वृद्धि की गई फिर इसमें तीन की वृद्धि की गई फिर अगले वाले में किसका वृद्धि करेंगे अगले वाले में हम देखिए सबका क्या हो रहा है एक दो दो वृद्धि की फिर इसमें तीन वृद्धि किए तो अगले वाले में हम चार की वृद्धि करेंगे और चार की वृद्धि करेंगे तो चार की वृद्धि करेंगे तो चार की इसके जगह पर क्या पर हो जाएगा इसके जगह पे हो जाएगा डी यफ यफ के यफ में हम चार की वृद्धि करेंगे यानी कि छह चार दस तो दस जब आएगा तो दस का मतलब होता है जे और जे का उल्टा आपको पता है कि जंगल क्यों यानी कि जे का उल्टा q इसका आंसर क्या हो जाएगा j q देखिए फिर से समझ लीजिए क्या करना है इसमें देखिए a z t c x f u j आ गया है ना j q आ गया है तभी हम बता रहे कैसे आया है a a के बाद c है c के बाद f है तो एक एक सी का होता है तीन होता है यानी कि इसमें दो की वृद्धि हुई है तो सी आया तीन आया इसमें तीन की वृद्धि तो तो करेंगे, तो करेंगे तो इसका चार आएगा और इसमें जब चार की वृद्धि करेंगे तो छह चार दस दस मतलब जे और जे का उल्टा होता है क्यू यही इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसके प्रश्नोत्सर चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा जे क्यू क्या आ जाएगा जे क्यू इसका इसका आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो दिया गया ए सी ए सी एम पी आर और आगे पूछा है इसके आगे क्या होगा देखिए ए है F है के है पी है तो ए सी एफ एच के एम पी आर अपने से सोचिए देखिए क्या हो सकता है देखिए एक है उसके बाद से दो की वृद्धि क्या तीन हुआ अब तीन में हम तीन की वृद्धि कर दिए छः हो गया छः में पहले लिख लेते हैं लिखने से आपका क्लियर हो जाएगा देखिए करना रहेगा तो आसानी से कर लेंगे हम देखिए एक तीन छ आठ यहाँ पे आपका ग्यारह तेरह अब एकदम एकदम समझ में आ गया कि हुआ, कि हुआ क्या है ठीक है देखिए एक में दो जोड़े तीन हुआ तीन में तीन जोड़े छह हुआ छह दो आठ फिर आठ में तीन जोड़े तो ग्यारह तेरह हुआ तेरह में फिर तीन जोड़े तो सोलह यानी कि करना क्या है कि एक खत्म होने के बाद तीन जोड़ेंगे एक खत्म होने के बाद तीन जोड़ेंगे और जो इन दोनों के बीच में दिया गया दो का गैप है इन दोनों के बीच में एक की वृद्धि हुई दो की वृद्धि हुई है देखिए एक दो तीन एक दो तीन छ सात आठ ग्यारह बारह तेरह यानी कि बीच में यहाँ पे आएगा दो यहाँ बीच में आएगा दो यानी कि बी आएगा और इनके बीच में आएगा यी जी जी यानी कि सात आएगा दो सात और इनके बीच में आएगा इनके के है के ग्यारह है बारह आएगा यल यल बोले तो आपका बारह उसके बाद से सोलह सत्रह सत्रह बोले तो क्यू क्यू और उसके बाद से आएगा अठारह तो हुआ क्या है सब में इनकी कि इनकी बीच में ये है और बाद में क्या है इसमें तीन तीन की वृद्धि हुई है क्या जोड़ा गया है तीन जोड़ा गया तेरह तीन छह नौ तीन तीन छह तो इसमें भी हम तीन जोड़ देंगे देखिए इनके बीच में जो गैप है जोड़ा गया है इनमें भी तीन जोड़ा गया इनमें भी तीन तो हम बीच में क्या करेंगे तीन जोड़ देंगे तो आएगा क्या आपका देखिए तो इसमें जोड़ेंगे तो अठारह तीन इक्कीस अट्ठारह तीन इक्कीस इक्कीस मतलब यू इक्कीस मतलब यू और यू में एक की और वृद्धि करेंगे तो यू भी डब्लू क्या हो जाएगा डब्लू आपका यही आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर होगा U, w. क्या हो जाएगा यू W इसका आंसर हो जाएगा यू W यही इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हमें अल्फाबेटिकल सीरीज कैसे याद कैसे करना है अल्फाबेटिकल जब सीरीज देगा आपको तो हमें क्या करना रहेगा सीधे आप पहला कोड याद होना चाहिए कोड याद रहेगा तो आसानी से आप इसको कर लेंगे आठवां क्वेश्चन दिया है ए जेड बी वाई सी एक्स आगे क्या आएगा यही हमें निकालना है तो देखिए ए जेड बी वाई सी एक्स यानी कि एक उल्टा होता है जेड बी का उल्टा वाई सी का उल्टा कैक्स अब देखते हैं क्रम देख लीजिए क्रम ये तो हमें उल्टा पता चल गया अब हम क्रम देख लेते हैं क्रम में देखिए ए बी सी ए बी सी तो आगे क्या आएगा डी आएगा आगे क्या आएगा डी आएगा तो हम सीधे लिख लेते हैं देखिए ए बी सी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करा देते हैं देखिए ए बी सी तो आगे आएगा डी और फिर अगला डी का उल्टा क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं डी डब्ल्यू डाउन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू डाउन तो ये उसका हो गया अगला क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है ए बी सी उसके बाद से पी क्यू आर टी ई एफ एस टी यू अब देखिए यहाँ पे ए के बाद ए बी सी के बाद पी क्यू आर दे दिया तुरंत यानी कि अगर ए को देखा जाए तो ए कितना एक का एक होता है पी का होता है सोलह सी का होता है तीन पी का होता है सोलह मैच ही नहीं कर रहा है कितना लंबा गैप है लंबा गैप है ना तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को देखिए पी ए तो हम एक एक का कर गैप करके देखते हैं कि क्या मेरा बन रहा है सीरीज बन रहा है एक एक का कर गैप करके देखते हैं अगर सीरीज बन रही है तो आपका सही है देखिए ए ए के बाद हम क्या करेंगे सीधे गैप करके इसको गैप कर देते हैं सीधे इस पे हम आते हैं ए के ए बी सी सी के बाद तुरंत आ गया डी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ तो अगला क्या आएगा अगला फिर हम गैप कर देंगे तो अगला आपका आ जाएगा जी एच आई तो इसका अगला आंसर अगला आ जाएगा अगला आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जी एच आई यही इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको भी चेक कर लेते हैं देखिए पी क्यू आर इसको गैप कर दिए आर के बाद क्या आता है एस टी यू एस टी यू बस तो यानी कि एक एक को छोड़ करके एक एक को छोड़ करके हम क्या करेंगे सीरीज को आगे बढ़ा दिया गया है और जोड़ते जोड़ते चले गए तो यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे आ गया अगला देखिए अगला दिया गया है A, C, e, B, D, ए सी ई बी डी एफ ए अब देखिए यहाँ पे देखिए ए दिया है एक तीन पाँच एक तीन पाँच फिर तुरंत आ गया है बी तो सीरीज ऐसे बैठेगा नहीं ऐसे नहीं होगा तो सीरीज कई तरीके से आता है और हम कह रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखिए हम सीधे करेंगे ए बी सी ए बी सी तो अगला क्या आएगा अगला डी आएगा अगला क्या आना चाहिए अगला डी आएगा आगे भी चेक कर लेते हैं आगे भी चेक कर लीजिए देखिए ए बी सी आगे आएगा डी फिर आगे चेक करते हैं सी डी ई एफ अगला क्या आएगा अगला आपका आ जाएगा फिर अगला देखिए ई एफ जी अगला क्या आएगा आई आएगा अगला आई आए। अब अंतर का गैप देख लीजिए एक तीन पाँच दो चार छ तीन पाँच सात यानी कि दो दो का कैप है ना तो यहाँ पे भी होगा एक एक का कैप करके दो जोड़ा जोड़ दिया गया तो चार छ चार छ और नौ चार अच्छा जी एच जी आ, फिर से देख लेते हैं ए बी सी डी अच्छा जी के बाद यच आएगा जी के बाद आएगा तो देखिए चार दो चार छः आठ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी एफ जी चलिए अगला देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था आई लिख दिए थे आई नहीं होता है बोले तो ये अच्छी लेकिन लिख दिए हैं आई चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कैसे किया जाएगा देखिए सी ओ थ्री के पी डी ओ फोर के क्यू अब यहाँ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है लेकिन हम आगे मैच कराएंगे देखिए कैसे कराया जाएगा देखिए सी दिया है डी दिया है ई है सी डी ई तो अगला क्या आएगा अगला आगे फाना चाहिए क्योंकि साथ ही में है और उससे क्रम वाइज बढ़ रहे हैं तो यह फाना चाहिए देखिए दूसरे वाले में ओ दिया है ओ दिया है ओ दिया है ओ दिया है तो हम ओ यहाँ पे भी ओ लिख देंगे ओ लिख देंगे ना ओ लिख देंगे जैसे दिया गया फिर तीन है चार है पाँच है तो अगला आएगा आपका अच्छा क्लियर है ये चीज अगला देखते हैं के है, के है के है के है तो अगला भी के ही होगा क्योंकि सब में के कोई इंक्रीजिंग कोई डिक्रीजिंग नहीं हुई है तो सब जोड़ देंगे फिर अगला पी है क्यू है आर है यानी के के की वृद्धि हुई है तो एक बढ़ा देंगे आर के बाद क्या आएगा आपका आर के बाद आपका यस आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगले को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए सी है ई e है जी है सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस तो देखिए अब इसको कैसे किया जाएगा सी ई जी तो यहां पे हम लिख लेते हैं आपको लिख के सॉल्व करा देते हैं C E G I K M O Q S आगे क्या आएगा यही हमें निकालना है तो अभी देख लेते हैं क्या आएगा है? देखिए C E G G C E G यानि कि तीन पाँच सात तीन पांच सात और सात के बाद दिया गया आई मतलब नौ नौ ग्यारह तेरह यानी कि दो दो की वृद्धि की गई है कामा से कोई मतलब ही नहीं है कामा से कोई मतलब ही नहीं है दो दो की इंक्रीजिंग की गई है कामा से कोई मतलब नहीं है तो देखिए कामा यहाँ पे दिया गया है कामा दिया गया है देखिए क्यों क्यों नहीं मतलब है क्योंकि यहाँ पे केवल हमेशा क्या क्या इंक्रीज करते चला गया है एक एक का गैप करके एक एक जोड़ते चला गया है तो कामा से कोई मतलब ही नहीं है तो सीधे देखिए ई जी आई के एम ओ क्यू S तो यस के बाद क्या आएगा यू यस के बाद आ जाएगा बाद आएगा आपका यू के बाद आएगा आपका यू इक्कीस दो तेईस डब्लू और फिर उसके बाद सेवाई तेईस दो पच्चीस देखिए तीन दो पांच दो सात दो नौ दो ग्यारह दो तेरह पंद्रह दो सत्रह दो उन्नीस इक्कीस दो तेईस दो पच्चीस यानी कि क्या आएगा आंसर आपका इसका आंसर हो जाएगा यू डब्लू और वही है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए एक बार फिर से देखिए क्या किया गया है सी यानी कि तीन दो पांच दो सात दो नौ ग्यार दो ग्यारह दो तेरह पंद्रह दो सत्रह दो उन्नीस इक्कीस दो तेईस दो पच्चीस यानी कि हम क्या किए एक 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 जोड़ते चले गए एक एक जोड़ते चले गए हैं आपका आंसर आ गया है चलिए अगला देखिए अगले वाले में क्या किया कि अगले वाला क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है देखिए क्या दिया गया है डब्लू भटे यस ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके तो हमें एग्जाम में करना था कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि डब्लू भटे इसका कोड दिया रहता है तो हमें यह भी करना रहता है चलिए देखिए पहले जो दिया गया उसको देख लेते हैं वी बटे ओ दिया है और उसके बाद से यस बटे के अब तो ये देखते देखते आपको लग गया होगा क्या किया गया है क्या किया गया है इसका राज क्या है इसका राज क्या है देखिए क्या करा W है बटे यस कर दिया गया वी बटे O कर दिया गया एस बटे K कर दिया क्यू बटे जी यानी कि डब्लू डब्लू होता है आपका तेईस तेईस डब्लू तेईस होता है फिर वी है फिर यस है फिर क्यू है तो हुआ क्या है देखिए डब्लू तेईस बाईस उन्नीस सत्रह तो एक घटाए हैं तीन घटाए हैं फिर दो घटाए हैं तो ऐसे नहीं होगा और क्या हो सकता है अभी यह नीचे वाला देख लिया जाए यस उन्नीस था चार घटाए पंद्रह हुआ। पंद्रह में चार घटाएंगे तो ग्यारह होगा ग्यारह में चार घटाएंगे तो सात होगा फिर हम चार घटाएंगे यानी कि तीन लास्ट में नीचे में नीचे में आपके नीचे में आपके सी आना चाहिए ऊपर का देख लिया जाए ऊपर क्या है ऊपर में आपका ये वी के जगह पे यू है तभी तो बैठ नहीं रहा है वी की जगह पे सॉरी लिखने में थोड़ा गलती हो गया है वी की जगह पे आपका यू होगा चलिए देखिए, तो यहां पे भी आपका यू होगा और यहाँ पे ये यह हो जाएगा 21 तो 23 में से दो गए इक्कीस इक्कीस में दो गए उन्नीस उन्नीस में दो गए सत्रह और सत्रह में से फिर दो जाएगा यानी कि आ जाएगा आपका पंद्रह और पंद्रह होता है ओ का और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इस प्रश्नवास चिन्ह के स्थान पर हम आसानी से लिख सकते हैं ओ बटे सी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है जब आप चीज़ों को करेंगे क्वेश्चन को आराम से लगाएंगे लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है कोड को लिखेंगे कोड कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोड याद ये रहेगा तब क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है कैसे क्वेश्चन को लगाया जाएगा और क्वेश्चन देखते हैं चलिए देखा जाए क्या दिया गया है कैसे लगाया जाएगा चलिए इसको मिटाते हैं पहले फिर क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि कैलेंडर का एक क्वेश्चन आएगा घड़ी का एक क्वेश्चन आएगा घड़ी का एक क्वेश्चन आएगा सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन आएगा लेकिन सीरीज आपका तीन से चार क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है तो बनता है कोई इसको रोक नहीं पाएगा ये बनता ही बनता है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लड़के इसी में फंसते हैं आपको नहीं फंसना है क्योंकि आप हमारी क्लास देख रहे हैं आपको सीखना है कैसे क्वेश्चन को करना है इसको आराम से करिए चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दिया गया है चौदह हो गया था हाँ तेरह चौदह चौदह क्वेश्चन देखिए दिया गया है फोर ई एट आई तेरा उन्नीस टी तो आगे क्या होगा आपको ये आगे निकालना है देखिए क्या है अब देखिए यहां पे अंक भी दिया गया और अल्फाबेट भी दिया है तो हम क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा क्या आप प्रोजन सकते हैं इसके चार आठ तेरह उन्नीस चार में चार जोड़ दिए तो आठ हो गया आठ में पाँच जोड़ दिए तेरह हो गया तेरह में छः जोड़ दिए तो उन्नीस हो गया यानी कि पहले हम चार जोड़े हैं पहले हम चार जोड़े हैं फिर उसके बाद से हम पाँच जोड़े हैं फिर उसके बाद से हम छः जोड़े हैं तो अगले में कितना जोड़ेंगे अगले में हम सात जोड़ेंगे और सात जोड़ेंगे तो उन्नीस और सात उन्नीस और सात होता है छब्बीस 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 होगा मतलब जेड आपका होता है फिर अब ये हो गया मेरा अंक वाला अल्फ़ाबेट वाले देख लेते हैं क्या किया गया है ई ई में ई का होता है पाँच और पाँच आई का होता है नौ यानी कि इसमें हम चार जोड़े हैं फिर इसमें आई आई में आई होता है नौ का ई और यन का होता है यन होता है आपका चौदह यानी कि इसमें पाँच जुड़े हैं इसमें हम पाँच जुड़े हैं और यन यन के बाद आता है टी टी चौदह चौदह और छः बीस यानी कि इसमें हम छः जुड़े हैं इसमें हम छः जुड़े हैं तो अगले हम सात जुड़ेंगे यानी कि टी बीस और सात सत्ताईस तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब आप जेड के बाद चलेंगे तो जेड के बाद देखिए वाई यक्स वाई जेड ए बी सी डी तो ये आपका कितना है ये आपका होता है पच्चीस चौबीस पच्चीस छब्बीस तो एक को क्या लिखेंगे सत्ताईस लिख सकते हैं ना सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तो कह रहा है कि इसमें हम कितना जोड़ेंगे इसमें हम सात जोड़ेंगे इसमें हम सात जोड़ेंगे तो जब सात जोड़ेंगे तो बीस सात सत्ताईस और सत्ताईस क्योंकि अल्फाबेट आपका छब्बीस तक होता है तो सत्ताईस क्या हो सकता है सत्ताईस ए हो सकता है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका इसके जगह पे ए हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका जेड ए यही इसका राइट आंसर होगा इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलिए अब आगे देखते हैं आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इस तरह से दे देंगे कि ए बी सी या के एल एम एन बीच बीच में गैप दिया रहेगा और चार चार विकल्प को भरना रहता है रिक्त स्थान को भरना रहता है ये थोड़ा टफ होता है इसके लिए भी हम आपको बताएंगे तरीका कैसे किया जाएगा चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा क्या इसके अपरेंस होते हैं पहले क्वेश्चन को लिखा जाए फिर उसके से बताते हैं कैसे किया जाएगा देखिए क्वेश्चन दिया गया अगला कि बी थ्री पी सी सिक्स आर सी सिक्स आर डी बारह टी ई चौबीस वी तो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया हुआ क्या है तो देखिए यहां पे स्मॉल लेटर दिया गया यहाँ पे कैपिटल दिया है इस्पाल दिया है और यहाँ पे कैपिटल दिया है फिर यहाँ पे स्मॉल है फिर कैपिटल है तो इससे हमें नहीं मतलब है लिखेंगे तो स्मॉल ही जहाँ पे स्मॉल है तहाँ इस्लॉल जहाँ कैपिटल जा है तहाँ कैपिटल लिखेंगे लेकिन सीरीज देखा जाएगा मतलब किससे है सीरीज से है तो सीरीज तो देखिए बी के बाद सी है सी के बाद डी है डी के बाद ई है तो अगला क्या आएगा अगला आपका एफ आ जा जाएगा अगला क्या आएगा अगला आपका एफ आएगा फिर अगला देखिए तीन तीन के बाद छः है छः के बाद बारह है बारह के बाद चौबीस है यानी कि दुगुना हुआ है कितना हुआ है गुना हुआ है तीन दुना छः दुना बारह दुना चौबीस दुना अड़तालीस तो अगला आ जाएगा आपका अड़तालीस फिर उसके बाद से देखिए पी वाला पी के बाद आर है पी सोलह होता है आर अट्ठारह होता है टी बीस होता है वी बाईस होता है यानी कि सोलह दो अट्ठारह दो बीस दो बाईस दो चौबीस यानी कि चौबीस मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है आपको क्लियर हुआ इत ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल और प्लस हम अंकों वाला अब इसके बाद से जो मिक्स करके देता है और मिक्स करके आपको छाँटना रहता है कि क्या चार चार पाँच पाँच ऑप्शन दिए रहते हैं उसको कैसे किया जाएगा उस चीज के लिए हम सीखेंगे अगला क्वेश्चन चलिए देखिए देखिए दोस्तों अब जो क्वेश्चन है सीरीज का ही है सीरीज में ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके देखिए कैसे दिया गया है इसमें बीच बीच में क्या दिया गया गैप दिया गया है ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो देखिए यस है बीच में गैप है यन यक्स है फिर बैच फिर बीच में गैप है यम एन फिर यक्स है फिर बीच में गैप है फिर यम एन फिर आपका बीच में गैप है यस यम फिर बीच में गैप है यन अब आपको पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या किया जाता है पहला अप्रोच ये होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि पहले हम गैप को गिन लेते हैं कितने गैप हैं अगर उस ऑप्शन में इतने गैप हैं और उतने अक्षर मिल रहे हैं तो पहला नंबर तो ऑप्शन वैसे ही छट जाएगा अगर किसी में आपके पांच गैप दिया गया है और आपसे ऑप्शन आप में है चार या छः तो वो तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा और एक चीज और सीरीज में देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि जो आपका अक्षर या वर्ड दिया रहता है उस अक्षर वर्ड से किसी किसी ऑप्शन में अलग अलग वर्ड दिए रहते हैं ऑप्शन में तो वो ऑप्शन भी ऐसे ही छट जाएगा तो आप ऑप्शन से छॉँट करके उसके बाद से आप देखिए इसके दो तीन तरीके होते हैं एक तो आप सीरीज को पढ़ते चले जाइए ऐसे कर लेंगे या तो फिर एक बार आप किन करके सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट दीजिए दूसरा तरीका तीसरा तरीका कि एक एक ऑप्शन रख करके चेक कर लें और हमारा कहना यह है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही होता है और एग्जाम में किसी भी हालत में आपको सही करना है अगर एक नंबर छोड़ना नहीं है रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपकी करना सब है गलती भी होता है लेकिन आपको एक मेंटेन करना है और रीजनिंग और किसी एग्जाम में आ रहा है अगर तो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस है क्योंकि सही होने की प्रॉबलिटी ज़्यादा रहती है चलिए देखिए अब अभी करेंगे क्या पहले के लिए एक दो तीन चार पाँच पाँच गैप है ना देखिए सब में है ना पाँच गैप एक दो तीन चार पाँच सब में पाँच है लगभग अब देखते हैं कि अक्षर अब अक्षर में यश है यक्ष है यम है यन है सब में यही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया है एक ऑप्शन भी दिया गया है आपके वाई तो ये तो ऐसा ही कट जाएगा वाई दिया गया तो ऐसे हमें छाटना है फिर उसके बाद से तुरंत कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन तीन अलग अलग दिए रहेंगे एक ही रहेगा ये तुरंत आंसर मार देंगे उसको तो इसको देखिए अब अगला तरीका क्या है अब इसको करने के लिए पहले तो आप सीरीज को पहले गिन लीजिए देखिए यस है यस के बाद कैप है यन है एक्स है तो यन यक्स साथ में रहेंगे जो यन और एक्स कह रहे साथ में रहेंगे देखिए यहाँ पे भी साथ में है ये दोनों साथ में हैं और यहाँ पे यन एक्स साथ में है तो यहाँ पे आपका एक्स होगा क्योंकि यन के साथ यक्ष है है ना तो क्स होगा यानी कि तीसरे पोजीशन पे एक दो तीन और तीन के बाद चौथे पोजीशन पे आपका यक्स होगा और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे एक्स है और चौथे पोजीशन देखिए कहाँ तो पर इसमें है इसमें है, इसमें है चलिए आगे देखते हैं क्योंकि तो एन के बाद एक और एक चीज और यन के यक्स के, के पहले एन होगा तो यहाँ पे यन होगा यक्स के पहले एन होगा और यक्स के पहले यक्ष के पहले यन होगा ये दो आपको क्लियर हो गया अब देखिए श yes के बाद यहाँ पे यम है यश yes के बाद यम है तो यश yes के पहले यम होगा और यश yes के बाद यहाँ पे एन है तो यम होगा तो यश yes के बाद यहाँ पे यम होगा यहाँ पे यम होगा और और कहीं है नहीं है और यहाँ पे एक चीज़ एकदम क्लियर हो जा रहा है कि यम के पहले जब यश के बाद यम होगा, होगा तो यम के पहले यश होगा यश होगा ठीक है तो आप देखिए पूरा भर गया ना अब देखिए आप सब चेक करते किस में है तो बनेगा क्या आपका बनेगा आपका ये बनेगा देखिए किस ऑप्शन में है देखिए यम यश एन पहले ऑप्शन में यम यशन यही आंसर आपका सही होगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए ये तो हो गया आप हम सीरीज को पढ़ करके करेंगे इस तरह से अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा तरीका हम क्या करेंगे कि इनको अगर बीस है तो इनको हम चार या पांच में डिवाइड कर देंगे ऐसे सीरीज बनाएंगे या फिर आपका अगर अठारह है तो तीन या छह में बांट देंगे यानी अगर बारह है तो चार या तीन में बांट देंगे तो देखते हैं कि सीरीज कैसी बनती है तो ये पोटल टोटल गिन लेते हैं टोटल गिनेंगे देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है उसके बाद से हम क्वेश्चन को आगे जब बताएंगे तो सीधे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा देखिए सबको गिन लेते हैं गैप पांच है पांच हो गया एक छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह हो रहा है ना यानी कि सोलह हो रहा है तो कैसे बांटेंगे चार गुड़े चार चार चौके सोलह यानी कि चार चार की चार सीरीज बनेगी तो देखिए हम ऐसे करेंगे यस अब यहीं पे बांट लेते हैं एक दो तीन चार हुआ बांट लिए 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 हो गया ना चार चार का हो गया अब भरते चला ये देखिए क्या भरेंगे इसमें देखिए यहाँ पे बढ़ते चले जाइए यहाँ पे यश है तो क्योंकि चार चार की सीरीज है अब बांटेंगे बांटना है तो देखिए यम है ना और यम यश के बाद यम आएगा देखिए यश के बाद यम है यश के बाद यम है तो यहाँ पे यम बढ़ते चले जाइए और ऑप्शन को भी आप रख के भर सकते हैं ऐसे बांट करके तुरंत ऑप्शन रखिए तुरंत आंसर आ जाएगा बांट दीजिए बांट करके ऑप्शन को रखिए तुरंत आ जाएगा पहला ऑप्शन चेक करके देखिए बांटने के बाद हम तुरंत ऑप्शन रखेंगे और ऑप्शन रख करके देखिए पहले हम यम रख दिए यम रख दिए दूसरे में हम क्या रख दिए यस रख दिए तीसरे में भी यस रख दिए चौथे में यक्स रख दिए और पांचवे में यन रख दिए देखिए आपकी सीरीज बन बनाइए यक्स यन यक्स यक्स यम यन यक्स Yes, 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 गई सीरीज ने तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं एक सीरीज पढ़ करके और दूसरा सीरीज को बांट करके तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे और दोनों तरीके से मेरा आंसर सही होगा दोनों का आंसर क्या आएगा ए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बी सी बीच में गैप है फिर बी सी ए बीच में गैप है सी ए भी बीच में गैप है ए भी बीच में गैप है ए फिर गैप है सी ए तब देखिए कितना गैप है टोटल एक दो तीन चार पाँच पाँच गैप है ना पाँच गैप है और टोटल संख्या गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और पाँच गैप है तेरह पाँच अट्ठारह टोटल कितने हो गए अट्ठारह तो या तो यह छह तीन अट्ठारह या तो छ तो की तीन सीरीज होगी या तीन तीन की छह सीरीज होगी तो ऐसे बनेगा तो हम तीन तीन, तीन की सीरीज बनाते हैं पहले देखिए तीन तीन की सीरीज बनाते हैं तो ये आपकी तीन तीन की सीरीज होगी ये आपकी तीन तीन की सीरीज होगी एक दो तीन फिर ऐसे एक दो तीन फिर उसके बाद से एक दो तीन फिर उसके ऐसे तीन ये होगी ना यही आपकी सीरीज बनेगी हम ऐसे बांट लिए बांटने के बाद सीधे हम क्या रखेंगे सीधे तुरंत ऑप्शन रखेंगे ऑप्शन रखने अगर पहला मिल जाता तो पहला सही है दूसरा मिल जाता दूसरा सही है तीसरा मिल जाता तीसरा सही है इससे आपका क्वेश्चन वैसे आप उलझ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आप उलझ जाएंगे और बांट करके सीधे ऑप्शन रखेंगे तुरंत आपका आंसर बन जाएगा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बांटते ही बांटते ही हमारा आंसर तुरंत आ जाता है कि क्या कह रहा है देखिए हम यहाँ पे बांटे ना ए बी सी और बी सी ए यानी कि एक सीरीज पूरी बन रही है ये पूरी कंप्लीट है अपने आप में ये क्या है पूरी कंप्लीट है यानी कि बी सी ए देखिए यहाँ पे भरिए तुरंत देखिए बी सी ए यहाँ पे हम ए भर दिए अब देखिए बी सी ए बी सी ए हो गया ना दोनों आगे अगला वाला भी बी आएगा बी सी ए फिर बी सी ए यहाँ पे ए दिया है बी दिया है बीच में सी होगा बी सी ए फिर बीच में सी होगा और बी सी एनि की बी होगा देखिए बांटते ही बांटते बन गया तुरंत आपका सी बीच तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बांट लेंगे तुरंत बन जाएगा कभी कभी हम ऑप्शन से कर लेते हैं तो देखिए ऑप्शन से अब देखिए क्या क्या भरे हैं ए भरे हैं फिर बी भरे हैं फिर सी भरे हैं फिर सी भरे हैं फिर बी भरे हैं अभी ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी यानी कि ऑप्शन थीम है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही है इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगला देखिए अगला क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी गैप है डी फिर गैप है ए ए बी ए फिर गैप है एन ए फिर गैप है बी ए डी एन ए फिर गैप है बी अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा क्या हो सकता है पहले हम गिनती कर लेते हैं गिनती क्या है कितने आ रहे हैं एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस टोटल कितने हैं बीस तो आपकी सीरीज बन सकती है चार गुड़े पाँच या पाँच गुड़े चार पाँच चार की या चार पाँच की ये सीरीज बनेगी तो हम देख लेते हैं देखिए बांट देते हैं हम पहले चार पाँच में तो बाँट देते हैं चार में एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार और एक दो तीन चार बट गया ना अब हम ऑप्शन को रखते हैं ऑप्शन को अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं कि पहला ऑप्शन रखेंगे ए बी डी डी ए बी टी डी फिर हम लिखेंगे बी ए ए बी उल्टा हो जा रहा है ना पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया पहला ऑप्शन गलत हो गया तो पहला वाला नहीं होगा दूसरा वाला चेक करते हैं दूसरा वाला दिया गया है ए बी ए डी ए बी ए डी फिर उसके एन ए ए बी एन ए बी फिर अगला चेक करते हैं ये दोनों भर चुके हैं आप अब डी की बात करते हैं ए डी एन ए डी एन ए फिर यहाँ पे सीरीज क्या हो जाए गड़बड़ हो जा रही है फिर सीरीज आपकी गड़बड़ हो जा रही है यानी कि आपको ये अनुमान लग गया है कि इस तरह से सीरीज नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर एन दे दिया गया है फिर यहाँ पर एन दिया है और यन दिया है ए बी ए डी तक रहता तो हमारा हो जाता नहीं दिया गया तो हम फिर अगला चेक करते हैं अगला देखिए ए बी डी डी फिर उसके ए ए ए ट्रिपल हो जा रहा है ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा अगर देख लेते हैं ए बी ए डी एन ए ए यह भी नहीं होगा क्योंकि एन ए ए बी फिर अगला चेक करेंगे ए डी एन ए सीरीज आपकी नहीं बन रही है यानी कि चारों ऑप्शन आपका गलत है जब चारों गलत हो गया तो चार पाँच का हम बनाए थे अब इसके बाद चार चार का बनाया तो पाँच पाँच का करेंगे पाँच पाँच का देखिए पाँच पाँच करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है पाँच पाँच किया जाए पांच पांच का गैप किया जाए देखिये यार नहीं देखिए पांच पांच का गैप कर दिए एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार पांच ये हो गया पांच हो गया चलिए पांच पांच का गैप करके देखते हैं बनाते हैं और पांच वर्ष ऑप्शन में भी है देखिए ए बी डी डी ए बी डी डी बी ए बी पहले बनेगा ए बी डी डी फिर दिया गया है बी तो ये क्या सीरीज बनेगी अगले चेक कर लिया था बनता है कि नहीं बनता है फिर यहां तक हो गया ना यहां तक हो गया आपका अब यहां पे देखते हैं ए ये दोनों भर लिए ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बन रहा है सीरीज नहीं बन रहा है यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत है दूसरा देखिए ए बी ए डी हो गया ए बी ए डी एन ए ए बी जब पहला वाला ए बी ए डी एन आ रहा है तो ए बी नहीं होगा ये भी आपका गलत हो गया फिर ए बी डी ए बी डी डी ए ए बी डी डी ए तो दूसरा दूसरा बनेगा नहीं क्योंकि ए ए बी ए दे दिया गया है तो ये भी नहीं होगा और ये भी चेक कर लेते हैं ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन फिर हम भरेंगे ए ए बी ए तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि पहला वाला बनने के बाद दूसरा आपका सब में गलत हो जा रहा है गलत हो जा रहा है तो यानी कि ये सीरीज आपकी चार पाँच वाली सीरीज आपकी नहीं होगी अन्य कुछ सोचना पड़ेगा अन्य सोचना पड़ेगा तो अन्य सोचने के लिए हम देखिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं तो अन्य सोचने के हम एक चीज़ आपको बताए थे कि एक एक ऑप्शन रख सकते हैं या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं तो एक एक ऑप्शन रखिए अब हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे देखिए पहले वाले पर हम डी रख दिए दूसरे वाले पे बी रख दिए एक एक ऑप्शन चेक करते पहला ए उसके बाद से हम ए रख दिए उसके बाद से हम एन रख दिए उसके बाद से हम बी रख दिए अब देखिए सीरीज बन रही है ए ए बी डी डी ए बी डी डी बी बी ए नहीं हो रहा पहले वाले से नहीं हो रहा है दूसरा वाला चेक किया जाए पहले वाले से नहीं हो रहा है तो हम फिर दूसरा चेक करेंगे दूसरा चेक करेंगे देखिए फिर यहाँ दे पर रखेंगे एन ए एन फिर डी है फिर उसके बाद से एन डी तीन हो गया फिर ए फिर उसके बाद से दिया गया है आपका ए देखिए बन रहा है सीरीज नहीं बन रहा है ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी यहाँ तक हम चलते हैं पहले यहाँ तक ए बी ए डी एन ए फिर ए बी ए डी एन ए एकदम दो बन गया यानी कि तीसरा वाला भी ए बी ए डी एन ए एकदम बिल्कुल सही है और लास्ट में ए बी ए बी यानी कि किया क्या गया आप सोचिए 6 अठार बीस को तीन 18 प्लस दो कर दिया गया तीन चक अट्ठारह प्लस दो करके देखिए एकदम बैठ जाएगा यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल आपका सही है हम ऑप्शन को रख करके भी चेक सकते हैं और बांट कर भी चेक कर सकते हैं और सीरीज लगा कर भी चेक कर सकते हैं तो हम क्या किए दो बार इसको बांटे हैं नहीं हुआ है तो फिर ऑप्शन लगा करके चेक किए आपका आंसर आ गया है तो ऐसे ही क्वेश्चन को सीरीज को किया जाएगा तो देखिए क्या क्या फिर से समझ लीजिए हम क्या किए दूसरा ऑप्शन भर दिए और दूसरा ऑप्शन बनने के बाद आपकी सीरीज बन रही है ए बी ए डी यानी ए बी ए डी यानी ए बी ए डी यानी और ए भी आपको बाद में छोड़ दिया गया है यही इसका राइट इस इस तो घबराना नहीं है सॉल्व करना है क्योंकि आप जान लीजिए कि कि किसी भी एग्जाम में अगर आपका सौ क्वेश्चन है तो सौ पे क्वेश्चन लगाने पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है सौ क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है कितना से होता है कि आपका इससे होता है कि मेरा आसान क्वेश्चन छूटे ना पाए कठिन क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है आसान क्वेश्चन छूट जाए या गलत हो जाए उससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो आपको करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आपका सही होता है बिल्कुल सही होता है तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं अगर एग्जाम में आ रहा है तो इसको लगाना है भले ही एक क्वेश्चन कठिन आप ना कर पाए ये आसान होता है ना इसको आप कर लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए देखिए सीरीज के बढ़ते क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा दिया गया है गैप है पहले ही गैप है उसके बाद से ओ एन पी एम फिर गैप है एन पी एम ओ फिर गैप है पी एम ओ एन फिर गैप है, है देखिए कैसे किया जाएगा कितने हैं पहले गिन लेंगे तुरंत बांटेंगे बांटने के बाद तुरंत आंसर आ जाता है कभी कभी फंसता है लेकिन मैक्सिमम आंसर आ जाता है तो देखिए हम पहले क्या करेंगे गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह है ना तो चार चार के चार चार में हम बांट देंगे चार चौके सोलह तो देखिए एक दो तीन चार बांट दिए एक दो तीन चार बांट दिए एक दो तीन चार बांट दिए एक दो तीन चार है ना अब हम तुरंत ऑप्शन रखेंगे ऑप्शन रखने में तुरंत ऑप्शन जाएगा क्या होगा देखिए पहला ऑप्शन रखेंगे अगर हम पहला ऑप्शन रखेंगे P दूसरा N दूसरी जगह पे N और तीसरे जगह पे रखेंगे हम O O के जगह पे यहाँ पे O और तीसरे चौथे जगह पे M देखिए क्या बन रहा है देखिए P P O N P P O N P यानी कि एकदम नहीं बनेगा पहला वाला आपका गलत है पहला वाला सीरीज नहीं बनेगा पहला गलत है दूसरा दूसरा चेक करिए दिया गया है पी उसके बाद से दिया गया ओ तुरंत चेक करिएन ओ एन पी एन ओ एन पी यम यम एकदम नहीं है क्योंकि पहला दूसरा एकदम नहीं बैठ रहा है ये भी आपका गलत है तीसरा ऑप्शन चेक करिए ओ ओ एकदम गलत है ओ ओ बाद में आ जा रहा है यन यम यम यमय यन यन तो यह भी आपका गलत होगा पहला दूसरा तीसरा यानी कि चौथा अगर तीन गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक आपका सही है चौथा ऑटोमेटिक सही है इसे पूरे रीजनिंग में अब तक हम बताते चले आए हैं तो चौथा सही है तो चौथा को भी चेक कर लिया जाए देखिए हम यम को रख दिए फिर उसके बाद से O को रख दिए उसके बाद एन को रख दिए उसके बाद हम पी को रख दिए अब चेक करिए ओ एन पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी यानी कि यह सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई ये सीरीज क्या हो गई ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई यानी कि राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इसका डी होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है कैसे किया जाएगा पहले हम क्या करेंगे पहले गिनती करेंगे तुरंत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह है ना चार चार की फीस सीरीज बनेगी चार चार को हम बांट देते हैं एक दो तीन चार बांट दिए एक दो तीन चार बांट दिए एक दो तीन चार बांट दिए एक दो तीन चार अब देखिए एकदम बिल्कुल एकदम एकदम तुरंत आंसर आपको दिख रहा है देखिए लास्ट में क्या है चार चार में बांटे यानी कि चार चार की सीरीज बनेगी चार चार की जब सीरीज बनेगी तो यहाँ पे दिया गया ए बी बी एन ए बी बी एन तो यहाँ पे सब में सीरीज में ए बी बी एन आना चाहिए क्योंकि लास्ट में आपका दिया गया है लास्ट एकदम क्लियर कर दे रहा है कि क्या मेरा होगा ए बी बी एन तो यहाँ पे देखिए तुरंत बिना ऑप्शन लगाए तुरंत बढ़ते चले जाइए देखिए ए बी बी एन ए बी बी एन देखिए ए बी बी एन आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी एन बी बी ए एन देखिये किस ऑप्शन में है ऑप्शन देखिए बी एन बी बी एन बी एन बी बी एन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बांटना कितना बांटने से कितना फायदा होता है कभी कभी बीच में देता है कभी कभी स्टार्ट में देता है कभी कभी अंत में देता है तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा बांटने से आपका क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाता है हम ऑप्शन रखेंगे तुरंत मेरा आंसर आ जाता है देखिए हम ऑप्शन रखें ऑप्शन नहीं रखे इस बार इस बार क्योंकि लास्ट वाला बटा हुआ था और तुरंत मेरा आंसर आ गया चलिए देखे, अगला क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए गैप है सी ए गैप है सी फिर गैप है डी सी फिर गैप है डी फिर गैप है ए डी फिर दिया है डी अब आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है करेंगे क्या चीज़ों को देखिए फिर से क्या कह रहा है कैसे किया जाएगा देखिए हाँ एकदम एकदम आराम से कुल पहले गिनती करेंगे गिनती करेंगे कितना आ रहा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह हो रहा है न पंद्रह हो रहा है तो हम पाँच तीन तीन पाँच में या पाँच तीन में बांट सकते हैं बांट सकते हैं ना तो पहले हम तीन तीन का बांटते हैं तीन नहीं आएगा तो फिर हम पाँच पाँच का बांटेंगे तो पहले तीन तीन का बांटते हैं एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो एक दो तीन एक दो तीन हो गया ना तीन तीन का बांट दिए पांच सीरीज बनेगी तो देखिए कैसे क्या किया जाएगा अब देखिए हम क्या कर सकते हैं पहले पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ए डी सी फिर उसके बाद से दूसरे में ए ए सी फिर तीसरे में फिर डी डालेंगे तो डी डी सी यानी कि आपकी सीरीज नहीं बन रही है आपकी सीरीज नहीं बन रही है तो देखिए फिर क्या करेंगे पहला वाला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा वाला फिर चेक करेंगे दूसरा वाला चेक करिए देखिए डी रखेंगे डी रख दिए ए रख दिए ए रख दिए सी रख दिए सी रख दिए देखिए क्या बन रहा है ए एडीसी, ए एडीसी, ए डी सी ए डीसी ए डी सी यानी कि ए डीसी ए डी सी ए पांच सीरीज आपकी बन गई तीन तीन की पांच सीरीज बन गई यानि कि आपका आंसर बी वाला एकदम राइट आंसर होगा और इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बांटिए पहले क्या करेंगे सीरीज को बांटेंगे बांटने के बाद हम ऑप्शन को रखेंगे ऑप्शन रखने तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा ये निश्चित रूप से आंसर आता है चलिए देख करके क्वेश्चन को घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को बहुत लोग देख करके घबरा जाते हैं छोड़ देते हैं छोड़ना हमें बिल्कुल नहीं है हमें एक नंबर लेकर के जाना है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए गैप डबल गैप है बी ए बी 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 ए फिर गैप है ए बी बी ए फिर गैप है बी ए अब हम गिनती कर लेते हैं पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह ना तो चार चार का बनेगा चार चार का बना देते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार हो गया ना चार चार की चार चौक सोलह अब देखिए क्या करेंगे पहले हम पहला ऑप्शन रखते हैं हम तो पहले हम ऑप्शन रखेंगे ना ऑप्शन रखते हैं पहले ए फिर बी पहला ऑप्शन दे रहा है ए ए बी बी दूसरा दूसरे में कुछ भरना ही नहीं है तीसरा वाला फिर भरते हैं एक दो भरा गया फिर ये वाला ए फिर उसके बाद से लास्ट में आपका बी है देखिए क्या सीरीज बन रही है सीरीज को देखिए क्या बन रही है दिया गया है ए ए बी बी ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी ए देखिए सीरीज ऐसे भी बनता है जरूरी नहीं है कि अगर चार में हम बांट रहे हैं तो चारों सीरीज एक तरह से हो दो दो का दो दो का गैप करके सीरीज बन सकती बन सकता है तो सीरीज इस तरह से भी बनेगा तो देखिए आप क्या किया गया ए ए बी बी ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी ए तो ऐसे बनेगा और ए ऑप्शन रखे हैं हम और ए मेरा बिल्कुल सही है ए से ए रखने से ही मेरा क्लियर हो जा रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इस तरह से हम सीरीज में आपको सारे चीज़ें सारे क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कैसे क्वेश्चन को लगाया जाएगा कैसे किया जाएगा अगर अल्फाबेटिकल है तो अल्फ़ाबेटिकल में आपको कोड याद होना चाहिए कोड को याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा अंक वाला है तो अंक के लिए आपको बताए थे कि बीस तक पहाड़ा तीस तक स्क्वायर और पंद्रह तक क्यूब याद होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन सीरीज बहुत आसानी से लगा लेंगे उसके बाद से यह दिया है गैप वाला गैप की सीरीज दी गई है तो गैप की सीरीज जहाँ पे चार चार पाँच पाँच गैप रहता है उसको कैसे किया जाता है हम बांट लेंगे सेट को चार चार के सेट में अगर सोलह है चार चार के सेट में अट्ठारह है तो तीन या छः के सेट में बीस है तो चार या पाँच के सेट में बांट लेंगे बांटने के बाद हम ऑप्शन को उठा करके रख देंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आज के लिए बस इतना ही जय जे, जय हिंद जय भारत धन्यवाद